शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी, जिनके तरानों को ना जाने कितने दशक ने गुनगुनाया और आगे भी गाते रहेंगे। आज मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर देखिए अमर उजाला टीवी की ये खास पेशकश। रफ़ी साहब के बारे में आप तमाम बातें जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनका उस्ताद कौन था? कौन था वो शख्स जिसने रफ़ी को रफ़ी साहब बनने की राह दिखाई? आखिर कौन था वो आदमी जिसने रफ़ी साहब को संगीत की तालीम दी? नहीं जानते ना, तो चलिए इस रिपोर्ट के ज़रिए जान लीजिए किसने सीखा, किससे सीखा रफ़ी साहब ने संगीत। महान गायक मोहम्मद रफ़ी जीवन भर संगीत को ही समर्पित रहे। हर गाने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश ने उन्हें दुनिया के महान गायकों में शुमार कर दिया। अपनी जादुई और दमदार आवाज की बदौलत दुनिया भर के करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया और आज भी राज कर रहे हैं। ऐसी ही न जाने कितनी बातें आप रफ़ी साहब के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रफ़ी साहब का उस्ताद कौन था? कौन था वो शख्स जिसने रफ़ी को रफ़ी साहब बनने की राह दी? आखिर कौन था वो आदमी जिसने रफ़ी साहब को संगीत की तालीम दी? नहीं जानते होंगे आप, क्योंकि उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस तस्वीर में बैठा शख्स वही है जिसे मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद माना और संगीत की तालीम ली। इनका नाम है अब्दुल वहीद खान। अब्दुल वहीद खान सहारनपुर में रहते थे। इतना ही नहीं, अब्दुल वहीद खान ने लाहौर से आकर अपने जीवन के अंतिम दिन भी सहारनपुर में ही बिताए और यहीं आखिरी सांस ली। सहारनपुर के कैराना घराने ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को बड़े बड़े उस्ताद दिए, जिनमें पंडित भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खान, गंगूबाई हंगल आदि शामिल है। नानोता कस्बे के गांव लुहारी में पले और पढ़े हुए उस्ताद अब्दुल वहीद खां भी कैराना घराने से ही संगीत सीख कर निकले थे, जो लाहौर में संगीत की शिक्षा देते थे। वहीं पर मोहम्मद रफ़ी ने करीब 12 साल तक अब्दुल वहीद खां से संगीत की शिक्षा ली। अब्दुल वहीद खान को कम सुनाई देता था, ऐसे में कुछ लोग उन्हें बहरे वहीद खां भी कहते थे। अब्दुल वहीद खान से संगीत सीख कर मोहम्मद रफ़ी ने एक से बढ़कर एक गाने गाए और लोगों के दिलों पर राज किया। एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब ने बताया कि जब वे 10 साल के थे तो उनके गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक फकीर भिक्षा मांगने आता था। वो फकीर खेड़न दे दिनचार निमाई गीत गाता था। मोहम्मद रफ़ी को उस फकीर का गीत इतना पसंद आया कि वो उसके पीछे पीछे कई गाँव तक चले जाते और बाद में घर लौटकर उसी गीत को गुनगुनाया करते। यहीं से उन्हें संगीत सीखने की ललक लगी और वो लाहौर जाकर अब्दुल वहीद खान से मिले। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के गायकों में अगर इस एक गायक का नाम सबसे ऊपर रहता है तो उसकी एक नहीं कई वजहें हैं। मोहम्मद रफ़ी की कुछ ऐसी ही बातें हम आपको बताते हैं जो शायद ही कभी आपने सुनी या फिर जानी होंगी। भारतीय फिल्म गीत संगीत में मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ अलग अलग भाषाओं में बल्कि संगीत की हर एक विधा में गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मी, गैर फिल्मी और पारंपरिक गीतों को एक अलग मुकाम दिया।
संगीतकार नौशाद ने कार्यक्रम में बताया था कि फिल्म बैजू बाबरा के लिए मोहम्मद रफी के गाए गाने ओ दुनिया के रखवाले का ऐसा असर था कि फांसी की सजा पाए एक कैदी ने अपनी अंतिम इच्छा में इस गाने को सुनने की फरमाइश रखी। जेल अधिकारियों ने कैदी की ख्वाहिश पूरी की और उसके बाद उसे फांसी दी गई। फिल्म बैजू बाबरा के सबसे प्रसिद्ध गाने ओ दुनिया के रखवाले के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिन तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक बैठ गई थी कि अफवाह फैल गई कि अब वो दोबारा कभी गा नहीं सकेंगे। ये भी कहा जाता है कि इस गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान गाना खत्म होने पर उनके गले से खून तक आ गया था। मोहम्मद रफी ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी बशीरा ने विभाजन के बाद भारत में रहने से इनकार कर दिया और वो लाहौर चली गईं। दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद मोहम्मद रफी ने दूसरी शादी बिल्किस से की। रफी साहब के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। मोहम्मद रफी के बारे में एक और किस्सा मशहूर है। वो एक विधवा औरत की गुमनाम मदद किया करते थे। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। जब मनी ऑर्डर बंद हुआ तब वो महिला पोस्ट ऑफिस गई और मनी ऑर्डर बंद होने की वजह जानी। तब उसे पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले की मौत हो चुकी है और मनी ऑर्डर भेजने वाले शख्स का नाम मोहम्मद रफी था। चार फरवरी 1980 को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद रफी को कोलंबो में एक शो के लिए आमंत्रित किया गया। उस दिन मोहम्मद रफी को सुनने के लिए 12 लाख कोलंबो वासी जमा हुए थे, जो उस समय का एक विश्व रिकॉर्ड था। मोहम्मद रफी को पहला ब्रेक दिया श्याम सुंदर ने पंजाबी फिल्म गुलब लोच में, जबकि मुंबई में उनकी पहली फिल्म थी गांव की गोरी। नौशाद और हुसन लाल भगतराम ने मोहम्मद रफी की प्रतिभा को पहचाना और फिर खयाम साहब ने फिल्म बीवी में उनसे गीत गवाए। मोहम्मद रफी के करियर का सबसे बेहतरीन वक्त माना जाता है 1956 से 1965 तक का। इस बीच उन्होंने कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाले बिना का गीतमाला में 2 दशक तक वो छाए रहे। बेहद कम बोलने वाले और हमेशा सादगी से रहने वाले मोहम्मद रफी घर पर सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे और रिकॉर्डिंग पर जाते वक्त हमेशा सफेद शर्ट और पैंट पहनते थे। हालांकि रफी साहब को स्टाइलिश घड़ियों और फैंसी कारों का बेहद शौक था। मोहम्मद रफी जितनी कोमलता से गाना गाते थे उससे उलट उन्हें खेल में उतना ही खतरनाक खेल बॉक्सिंग पसंद था। 1977 में जब वो एक शो के सिलसिले में शिकागो गए तो आयोजकों ने उनकी मुलाकात बॉक्सर मोहम्मद अली से करवाई। पहले अली ने मिलने से मना किया पर जब उन्हें रफी के गायक के तौर पर मशहूर होने का पता चला तो दोनों मोहम्मद एक साथ मिले और तस्वीर खिंचवाई। वीडियो डेस्क नई दिल्ली। ये है तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है, अपने संगीत पे तो सभी को नाज है। ए रफी, आज संगीत को तुझ पे नाज है।
तो मोहम्मद रफ़ी के गाने तो आपने खूब सुने होंगे। शुरू के सरताज मोहम्मद रफ़ी के हज़ारों गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मोहम्मद रफ़ी साहब बतौर अभिनेता फिल्मों में उतरे? अगर नहीं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सदाबहार नगमे हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। रफ़ी साहब गायकी के सरताज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि रफ़ी साहब शुरू शुरू में बतौर अभिनेता भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। दरअसल शुरुआत में रफ़ी साहब को अभिनय का भी चस्का लग गया और उन्होंने फिल्मों में गाने के साथ साथ एक्टिंग भी की। फिल्म लैला मजनू, समाज को बदल डालो और जुगनू रफ़ी साहब ने बतौर अभिनेता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रफ़ी साहब को एक्टिंग कुछ ज़्यादा रास नहीं आई थी। इसी दौरान संगीतकार नौशाद अली साहब ने उन्हें सलाह दी कि आपका काम अदाकारी नहीं, आपको ऊपर वाले ने नहायत ही उम्दा किस्म का गला बख्शा है, इसलिए आप अपना जोर गायकी पर लगाएं। और ये बात नौशाद और रफ़ी दोनों के लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित हुई। नौशाद साहब की सलाह को मोहम्मद रफ़ी ने समझा और अदाकारी से किनारा कर लिया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। एक फनकार जिसने अपने गीतों से लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी, जिसे दुनिया हिंदी सिनेमा के शहंशाह तरन्नुम के नाम से जानती है, जिसने मुफलिसी का दौर देखा और शोहरत भी, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमें उनकी याद दिलाती है। तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है, अपने संगीत पे तो सभी को नाज है, ए रफी आज संगीत को तुझ पे नाज है। साल था 1970, फिल्म पगला कहीं का और गाना था तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आखिर ऐसा क्या था उसकी आवाज में कि उसने इतने यकीन के साथ ये कहा था कि उसे भुलाना मुश्किल होगा? जी हाँ, आप सही समझे हैं, हम बात कर रहे हैं सुरों के सरताज मोहम्मद रफी की। हिंदी सिनेमा में दशकों तक राज करने वाले फनकार मोहम्मद रफी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी करोड़ों लोगों को सुख दुख, उदासी, उल्लास, खुशी, गम, आंसू और प्रेम का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रफी साहब का बचपन मुफलिसी में बीता है? हमने रफी साहब के गाने तो खूब सुने होंगे, लेकिन कम ही लोगों ने मोहम्मद रफी का ये किस्सा सुना होगा। हमने रफी साहब के गाने तो खूब सुने होंगे, लेकिन कम ही लोगों ने मोहम्मद रफी का ये किस्सा सुना होगा। रफी साहब अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अपने पिता के हेयर कटिंग सैलून में काम करते थे। बात साल 1935 की है। उनके अब्बू उन्हें लेकर लाहौर गए थे, जहां उन्होंने सैलून खोला था। और रफी साहब, जिन्हें उनके पिता प्यार से फीको बुलाते थे, वो 11 साल की उम्र से ही वहां काम करने लगे थे। एक दिन सैलून में लाहौर रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर दाढ़ी बनाने आए, तब फीको उनकी दाढ़ी बनाते बनाते गाने गुनगुना रहा था, तो डायरेक्टर साहब भी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत फीको को मौका देने की पेशकश कर दी। चंद दिनों बाद ही एक कार्यक्रम में उस वक्त के मशहूर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने बिजली गुल होने से कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया। श्रोताओं को संभालने के लिए नन्हे फीको को स्टेज पर खड़ा कर दिया गया
और बिना माइक के ही फीको ने जो तान भरी कि पूरी महफिल झूम उठी। और उसी फीको को दुनिया आज मोहम्मद रफी के नाम से जानती है। रफी साहब को मौका मिलना तो इत्तेफाक की बात थी, लेकिन सफलता की सीढ़ियां उन्होंने खुद ही चढ़ी। साल 1944 में उन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म में गाना गाया। साल 1946 में उन्हें पहली बार गाना तेरा खिलौना टूटा से उन्हें पहचान मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद रफी ने संगीत को अपनी पूरी जिंदगी जिया। उन्होंने सिर्फ इंडियन सिंगर्स के साथ ही गाने नहीं गाए, बल्कि साल 1975 में वो काबुल गए थे। वहां उन्होंने फारसी भाषा में भी एक सोलो गाना और एक डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। डुएट में उन्होंने अफगानी फीमेल सिंगर झीला के साथ गाना गाया था। ये गाना काफी पसंद किया गया। रफी साहब ने अपने करियर में कुल 26,000 गाने गाए हैं। रफी साहब को 23 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया है और 6 बार उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब मोहम्मद रफी का निधन हुआ तो मुंबई में खूब बारिश हुई। लोगों ने कहा कि उनकी मौत पर तो मां सरस्वती भी रो रही थी। उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश के बाद भी रफी साहब की अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। ते है तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है, अपने संगीत पे तो सभी को नाज है। ए रफी, आज संगीत को तुझ पे नाज है। मोहम्मद रफी संगीत की दुनिया के जादूगर बनकर सामने आए। हिंदी सिनेमा में 40 साल से भी ज्यादा समय तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुरों के सरताज मोहम्मद रफी साहब की आवाज में वो दर्द था जो आज के सिंगर्स में कम ही महसूस होता है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं उनके सिरों में छिपी दर्द की ये दास्तां। सुरों के सरताज मोहम्मद रफी ने संगीत को अपनी पूरी जिंदगी जिया। उन्होंने सिर्फ भारतीय गायकों के साथ ही नहीं गाने गाए, बल्कि साल 1975 में वो काबुल गए थे। वहां उन्होंने फारसी भाषा में एक सोलो गाना और एक डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। डुएट में उन्होंने अफगानी फीमेल सिंगर झीला के साथ गाना गाया था। इस गाने को काफी सराहना मिली। रफी साहब ने अपने करियर में कुल 26,000 गाने गाए हैं। रफी साहब को 23 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया और 6 बार उन्हें इस अवार्ड से नवाजा भी गया। ओ दुनिया के रखवाले, रफी साहब के गाए इस नगमे में इतना दर्द भरा है कि लोग इसे सुनने भर से ही रो पड़ते हैं। लेकिन कम ही लोगों को ये पता है कि रफी साहब इस गाने को गाने के बाद 15 दिन तक कोई गाना नहीं गा पाए थे। नौशाद साहब के कंपोज किए गए इस गाने को गाने से पहले रफी साहब ने लंबे वक्त तक इस गाने को रिहर्स किया था ताकि वो अपनी पूरी रेंज को यूज कर सके। लेकिन जब गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफी साहब का गला बुरी तरह से बैठ गया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं
की रिकॉर्डिंग के वक्त रफी साहब के गले से खून आ गया था। क्या आप जानते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा गाने को गाते वक्त रफी कई बार रोए। इसके पीछे वजह थी इस गाने की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, जिसके चलते रफी साहब काफी भावुक थे। और सिर्फ यही गाना नहीं, रफी के ऐसे कई गाने हैं जिन गानों में दर्द और भावनाएं साफ झलकती हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। मुझे बुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मोहम्मद रफ़ी वो सितारा है जो कभी अस्त नहीं हो सकता। अपने गानों के जरिए रफ़ी साहब ने वो मकाम हासिल किया जो कोई नहीं कर सकता। 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी इस दुनिया को अलविदा कह गए। शादी का गाना हो, विदाई में भावुक पिता की भावनाएं व्यक्त करनी हो, विरह गीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, मस्ती हो, मजा हो, रोमांस हो या फिर देशभक्ति, कोई भी इमोशन दे दीजिए, एक आवाज हर तरह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगी। वो आवाज मोहम्मद रफी की। 30 जुलाई 1980 की वो शाम थी। मुंबई तब बंबई हुआ करता था, मॉनसून अपने शबाब पर था, शाम का धुंधलका रात में तब्दील हो रहा था। मोहम्मद रफी एक बंगला भजन की रिहर्सल कर रहे थे। वो सहज नहीं थे, थोड़े थके हुए भी लग रहे थे। पत्नी से उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, लगता नहीं कि गा पाऊंगा। पत्नी ने कहा कि मना कर दो, वो किसी और से गवा लेंगे। रफी ने जवाब दिया, नहीं, वो इतने दूर कलकत्ता से उम्मीदों के साथ आए हैं, मैं गाऊंगा। अगली सुबह यानी 31 जुलाई को संगीतकार श्यामल मित्रा उनके घर आए। उन्हीं के लिए बंगला भजन गाए जाने थे जो दुर्गा पूजा के लिए थे। रफी साहब ने फिर से अभ्यास शुरू किया। अचानक उन्हें दर्द उठा, करीब 12:30 बजे का वक्त था। पत्नी ने डांटा लेकिन फिर से जवाब मिला, रफी के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए गाना तो गाऊंगा। उन्हें लगा कि गैस की बीमारी है जो कई सालों से उन्हें थी, लेकिन दर्द नहीं थमा। डॉक्टर को फोन किया गया, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल लेकर आएं। रफी को अब भी अंदाजा नहीं था कि ये दर्द क्या आशंकाएं साथ लाया है। रफी पसीना पसीना थे, रमजान का महीना था, जाहिर है वो भूखे थे। उनके हाथ और पैर पीले पड़ने लगे। नजदीक के अस्पताल गए, वहां सुविधाएं नहीं थीं, तो बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तक रात हो चुकी थी, अंधेरा घना हो चुका था। डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने बताया कि वो रफी साहब को नहीं बचा पाए, मोहम्मद रफी जा चुके थे। वो आवाज खामोश हो गई थी जिसने कई दशकों से संगीत दुनिया को मंत्रमुग्ध किया था। रफी के जनाजे में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। उस रोज तेज बारिश हो रही थी, लेकिन लोग अपने पसंदीदा गायक के आखिरी दर्शन करना चाहते थे। उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। रफी को लेकर मन्ना डे ने कहा था कि उनसे बेहतर इंसान नहीं देखा और वो मुझसे बेहतर गायक थे। जिन किशोर कुमार के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता के तमाम किस्से मशहूर थे, वो उनके पैरों से लिपटकर रो रहे थे। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो उस वक्त वृंदावन में थे जहां किसी ने उनसे कहा कि शम्मी साहब, आपकी आवाज चली गई। यकीनन जब तक संगीत रहेगा, ये आवाज हमेशा सुनाई देती रहेगी। इस आवाज में एक पाकीजगी है जो शायद ही कहीं और मिले। वीडियो डेस्क, नई दिल्ली।
तो ऐसे ही शहंशाह तरन्नुम नहीं कहा गया मोहम्मद रफ़ी को, और रफ़ी ऐसे ही रफ़ी साहब नहीं हुए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से रहिए अपडेट। लाइक कीजिए अमर उजाला टीवी का फेसबुक पेज। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोंपड़ियों में भी तेरी आवाज है, अपने संगीत पे तो सभी को नाज है। ए रफी, आज संगीत को तुझ पे नाज है।